यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रवासियों को रोजगार के मसले पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार देने में नाकाम रही, जिस कारण प्रवासी फिर से प्रदेश से वापस जाने लगे हैं। राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारे विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2,500 लोगों को काम मिल गया होता। प्रवासियों को रोजगार के मसले पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार देने में नाकाम रही, जिस कारण प्रवासी फिर से प्रदेश से वापस जाने लगे हैं। राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारे विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2,500 लोगों को काम मिल गया होता। प्रवासियों को रोजगार के मसले पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार देने में नाकाम रही, जिस कारण प्रवासी फिर से प्रदेश से वापस जाने लगे हैं। राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारे विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2,500 लोगों को काम मिल गया होता। प्रवासियों को रोजगार के मसले पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार देने में नाकाम रही, जिस कारण प्रवासी फिर से प्रदेश से वापस जाने लगे हैं। राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारे विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2,500 लोगों को काम मिल गया होता। प्रवासियों को रोजगार के मसले पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार देने में नाकाम रही, जिस कारण प्रवासी फिर से प्रदेश से वापस जाने लगे हैं। राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारे विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2,500 लोगों को काम मिल गया होता।